हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और आप देख रहे हैं यू शुड नो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। दे आर मैनी वीडियोज़ रिलेटेड टू द कॉन्टेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स वेयर यू कैन अप्लाई एंड विन अमेजिंग प्राइजेज एंड गेट स्कॉलरशिप्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बी नैट बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑलरेडी अगस्त के मंथ में एक एग्ज़ाम हो चुका है, इसका टेस्ट हो चुका है इसका, जो कि ऑनलाइन था। पेपर वाज वेरी गुड, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, बट दैट वाज नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि अगर बच्चा अच्छी बुक से प्रिपरेशन कर रहा है। मैं किसी बुक को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बट पर्सनली आई लाइक आर डी शर्मा। अगर आप आर डी शर्मा से मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एस एन से साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, लखमीर सिंह से साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बट लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना। एनसीईआरटी खुद में ही बहुत अच्छी बुक है, बट बच्चे उसको उस तरीके से पढ़ते नहीं हैं, राइट। हर एक लाइन का मीनिंग क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो बॉक्स में चीज़ें लिखी होती हैं नोट, वो बहुत ज़रूरी है। समरी रिवाइज कर लो, बहुत कुछ रिवाइज हो जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें अगर आप ध्यान दोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब एक और क्वेश्चन था, कॉन्टीन्यूसली बच्चा पूछ रहा है, मैम मैंने अभी वाला एग्ज़ाम दिया था, क्या मैं दोबारा दे सकता हूँ बी नेट का एग्ज़ाम। तो आप कोई भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एग्ज़ाम या कोई भी टेस्ट कितनी बारी भी दे सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि अगर आपने ट्राई करा है तो आप दोबारा नहीं दोगे, राइट। अब बी नेट बायजूस जैसे, तो मतलब इनका तो बिजनेस है ना, मतलब अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो देते जाओ, राइट। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो स्कॉलरशिप दे देंगे, स्कॉलरशिप को अगर आप उस क्राइटेरिया में लाए नहीं करोगे तो आपसे फ़ीस ले लेंगे, है ना। तो इसमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, बट द कंडीशन इज़ कि आप अपना 100% दो। बस ये नहीं कि एग्ज़ाम दे दिया, लक चेक करने के लिए मत दो, आप एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करके दो, राइट। आज जो हम बात करने वाले हैं बी नेट के सेकंड एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अभी सितंबर में होगा, तो कंप्लीट डिटेल देखेंगे, राइट। बी नेट ये जो एग्ज़ाम है इसलिए ऑर्गेनाइज करवाता है कि आप अपने जो लर्निंग स्किल्स हैं उसको एनालाइज कर पाओ। अगर आपने ये लास्ट मंथ वाला, अगस्त वाला जो एग्ज़ाम था वो दिया होगा, तो इन्होंने बहुत अच्छा सा एक डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करा है, एक पीडीएफ शेयर करी है, जिसमें आपको हर एक बेसिस पे जज किया हुआ है ना, आपकी एबिलिटी, आपका एनालाइजिंग स्किल्स। तो वो अच्छे से पढ़ो अपने बारे में, तो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ में। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग बायजूस, बस मुझे वो पढ़कर अच्छा लगा, बाकी तो जिसने ज्वाइन किया उसको ही पता होगा। बायजूस नेशनल एप्टीट्यूड के टेस्ट के बारे हम बात करेंगे। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एप्टीट्यूड होगा, जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा फॉर जेई एंड नीट, राइट। गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है तो आपको 100% स्कॉलरशिप तक मिलने के चांसेस होते हैं। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, इट्स रजिस्ट्रेशन इज़ फ्री। ये बेसिकली क्लास 11th के लिए है, राइट। तो लास्ट डेट जो होगी इसकी रजिस्टर करने की वो होगी 12 सितंबर। टिल 2 PM यू कैन रजिस्टर इन इट। डेट होगी जो एग्ज़ाम की वो होगी 13 सितंबर, 10 AM, 2 आवर्स का टेस्ट होगा, है ना। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट दोगे। अब टेस्ट के डिटेल्स देख लेते हैं। सिलेबस जो होगा आपका वो मेंटल एबिलिटी NTSC लेवल का होगा। तो सबसे पहले, ठीक है, आपको NTSC लेवल चेक करना है कि उनका लेवल है क्या, है ना, उनके क्वेश्चंस किस लेवल पर आते हैं, NCERT से अबव है, ब्लो है, किस तरीके का लेवल है, कॉन्सेप्चुअल है। तो कुछ पेपर्स आप ना NTSC लेवल के सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, तब आपको आइडिया लग जाएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगी आपकी 10th तक के लेवल की, है ना। तो अगर आपने 9th-10th की लखमीर सिंह की बुक्स अच्छे से पढ़ी है ना, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत अच्छे से समझाया हुआ होता है उन बुक्स में। और नहीं तो एस चांद की बुक होती हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है मैथ्स और साइंस के लिए, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, राइट। अब एलिजिबिलिटी जो है, स्टूडेंट जो 11th क्लास में पढ़ रहा होगा ये वही एग्ज़ाम देगा, और कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता। मोड जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ठीक है, आप घर से टेस्ट दे पाएंगे। टाइमिंग आप चेक कर चुके हैं, 10 बजे पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और बायजूस पहले से ही आपको मेल वेल करके अलर्ट करता रहता है, तो आप अपनी मेल चेक करते रहेंगे, है ना। तो आपको ये बी नेट क्यों देना चाहिए, मैनी स्टूडेंट वर्क वेरी हार्ड बट आर अनेबल टू क्रैक जी नीट, सही बात है ना। बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं बट फिर भी उनका जेई और नेट क्लियर नहीं होता है। मैंने एक बच्चा ऐसा भी देखा है, मेरे बैच में था, कि उसका जेई का तो बहुत अच्छा स्कोर था बट वो 12th में फेल हो गया,
राइट, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, उसको लिख नहीं पाता था, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, उसको बस ये पता है कि हो क्यों रहा है। तो आपको दोनों चीज़ों पर काम करना है ना। तो बिकॉज ऑफ गैप्स इन एप्लीकेशन, रिटेंशन एंड लर्निंग अप्रोच, इसलिए बच्चों का क्लियर नहीं होता। सीरियस स्टूडेंट मस्ट टेक दिस टेस्ट टू रियलाइज देयर रूल देयर ट्रू पोटेंशियल, है ना। जब आप ये एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आता। कभी भी आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो उस एग्ज़ाम को जब आप प्रिपेयर करते हो एक बारी बुक्स अच्छे से पढ़ने के बाद में मल्टीपल सैम्पल पेपर सॉल्व करो, क्योंकि जब हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास कोई आंसर कीज़ नहीं होती है ना, आंसर्स नहीं होते, तो हमें फिर तब क्वेश्चन देख के पता चलता है अरे मुझे ये तो आता ही नहीं है। तब हम फिर उसको ना एक पेन पे, एक पेन से नोट डाउन करते जाओ कॉपी, मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं है, मुझे ये पॉइंट क्लियर नहीं है, तब आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स पता चलेंगे और आप उन पर काम करोगे। राइट, बी नेट एम्स एट आइडेंटिफाइंग दीज गैप्स, ठीक है, ये आपके गैप्स बताएंगे, आपको कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है, आपके लर्निंग स्किल्स को मेज़र करेंगे, आपको हर एक बेसिस पे बताएंगे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, रिटेंशन में प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में है, कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। बी नेट इज़ फॉर जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स हु आर एमिंग टू गेट इन टू प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। ये जो बेसिकली इनके लिए कंडक्ट किया जा रहा है जो कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। बी नेट कैन हेल्प यू मेक दिस इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड की एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी हमने डिस्कस किया है ना। तो जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ काम करना है, कितनी मेहनत और करनी है। 11th में दोगे तो ठीक है, 12th भी है आपके पास, और मुझे नहीं पता आप इस लॉकडाउन को कैसे ले रहे हो, बट मेरे लिए तो बहुत पॉजिटिव है क्योंकि अपने लिए बहुत टाइम मिल जाता है। मीन्स लाइक आप अपने तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, नोटबुक बना के रखे जाओ, कोई सेंस नहीं बनता उनका। राइट, ठीक है, स्कूल वाले मांगते हैं बट चल जाता है, आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करो। बी नेट गिव्स यू एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ योर कैपेबिलिटीज़, इन डेप्थ एनालिसिस बताएगा, एनालिसिस करेगा आपकी कैपेबिलिटीज़ का। ये जो है पर्सनलाइज काउंसलिंग भी करेगा आपकी ऑनलाइन, है ना। तो जब आप वो रिपोर्ट देखोगे और जिन्होंने दिया है उन्हें पता होगा। योर बी नेट स्कोर विल हेल्प यू गेट बाजू स्कॉलरशिप, अगर आपका स्कोर अच्छा होता है, ये सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहता कि उनका नाम ख़राब हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चों को हर कोई हायर करना चाहता है, क्योंकि जब वो बच्चा परफॉर्म करेगा ना तो उसके साथ एक नाम जुड़ जाएगा, बायजूस से प्रिपरेशन करी थी इसने, तो इनडायरेक्टली बायजूस को भी उसका फ़ायदा होगा। तो हर कोई चाहता है, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे ट्यूशन में कोई ऐसा बच्चा आए जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो, क्योंकि जब उसका स्कोर अच्छा होगा तो सब लोग पूछेंगे उससे कि आप कहाँ पढ़ते हो, मैं वहाँ पढ़ता हूँ, है ना, तो मेरे पास और बच्चे आएंगे। तो इस तरीके से हर टीचर, देखो ट्रुथ है ये, है ना, कोई भी फ्री में काम नहीं करता। जहाँ मैं 4 बच्चों का बैच लूँगी वहाँ 20 बच्चों का बैच लूँगी, राइट। तो मेहनत करनी पड़ती है। 13 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छा गेन करने के लिए। टेस्ट हाईलाइट्स आप देख चुके हैं, 100% स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हैं आपको। लर्निंग स्किल रिपोर्ट भी मिलेगी, स्कोर कार्ड भी मिलेगा जहाँ पे आपका परसेंटाइल और परसेंटेज वगैरह भी दे रखी होगी। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है मैम परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है ना। तो परसेंटेज तो वही हो गया कि 30% मार्क्स आए आपके, 100% 100 मार्क्स का टेस्ट था, 30 स्कोर क्या 30% मार्क्स हो गए, राइट। परसेंटाइल को समझते हैं, जैसे कि अगर मान लो आपके एग्ज़ाम में लिखा हुआ है कि आपका 79% परसेंटाइल है, तो इट मीन्स कि जितने भी बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा आप 79% बच्चों से ऊपर हो, राइट, क्लियर है। 31% बच्चों से नीचे है आपका स्कोर, जितनी आपकी परसेंट है उतने बच्चों से आप ऊपर हो, अच्छा स्कोर करा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम परसेंटाइल कहते हैं, कंपैरिजन होता है एक तरीके का ये। करियर काउंसलिंग है ना, हाउ टू रजिस्टर के लिए आपने क्या करना है, 3 स्टेप हैं। पहले अपनी शेयर करोगे डिटेल्स, फिर वेरीफाई करोगे अपना OTP, फिर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्टर फ्री है, ठीक है। तो ये थी सारी डिटेल्स, और मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी जहाँ पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड, दैट वॉज द वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज की डेट में मैंने एक कॉम्पिटिशन अपलोड किया, आप जाके चेक करो, बहुत अमेजिंग कॉम्पिटिशन है। टॉय बनाओ, अच्छा अमाउंट लो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।